अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स माय नेम इज शारे सीमा वेलकम बैक विद अनदर वीडियो ऑफ फैसल टाउन फेस टू फैसल टाउन की मैनेजमेंट ने जो है वो रिसेंटली फैसल टाउन फेस टू में जो है वो कमर्शल्स लॉन्च कर दिए हैं तकरीबन जो है वो बारह डिफरेंट साइजेस के जो है वो कमर्शियल प्लॉट्स जो है वो लॉन्च किए गए हैं छोटे साइज से लेके बड़े साइज के जिसमें जो है वो आठ मला कमर्शल बारह मला कमर्शल दो किनाल चार किनाल आठ कनाल पेट्रोल पंप के और बाकी सारे डिफरेंट साइजेस के जो है वो कमर्शियल प्लॉट्स लॉन्च किए गए हैं आज की वीडियो में जो है वो मैं आपको बताऊंगा जो कमर्शियल प्लॉट्स लॉन्च किए गए हैं उनकी क्या प्राइसेस हैं उनका क्या साइज है उनकी क्या डायमेंशन है वो कहाँ पे लोकेटेड है और कितने नंबर ऑफ़ फ्लोर्स है वो कंस्ट्रक्शन आपको जो है वो इन कमर्शियल प्लाट्स पर जो है वो अलाउड है और आया कि वो कमर्शियल प्लाट्स है वो आपको बाय करने भी चाहिए या नहीं करने चाहिए और उनकी क्या ट्रैक हिस्ट्री है पुराने के कमर्शियल प्लॉट्स की जो फैसल हिल्स में और फैसल टाउन फेज वन में जो है वो लॉन्च हुए थे आज की वीडियो में जो है वो मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा इन सभी पॉइंट्स को अगर हम फैसल टाउन की बात करें तो फैसल टाउन जो है वो नॉर्मली चार मल्ला के कमर्शियल प्लाट्स है वो लॉन्च नहीं करता हमेशा बड़े साइज़ के जो, 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 तो जो है वो कमर्शियल प्लाट्स लॉन्च करता है जिसका मिनिमम साइज़ जो है वो आठ मल्ला बारह मल्ला एक केनाल दो कैनाल जो है वो तो मिनिमम साइज़ होता तो है कमर्शियल प्लाट्स का अब फैसल टाउन फेज टू में जो प्लाट्स के जो है वो साइज़ रखे गए हैं वो डिफरेंट हैं फ्रॉम द आर डी ए फैसल टाउन में जो पाँच मल्ला का रेजिडेंशियल प्लाट होता है दैट इज़ ट्वेंटी फाइव बाई फिफ्टी का जो सी डी सेक्टर्स में हमारे प्लॉट्स होते हैं जिस तरह गुलबर्ग में है सी के किसी भी सेक्टर में है पाँच मरला का जो साइज़ है वो बड़ा साइज़ रखा जाता है इन कंपेरिजन टू द आर डी एस सोसाइटीज़ जिस तरह कैपिटल स्मार्ट सिटी में पाँच मरला का जो प्लॉट है वो है पच्चीस बाय पैंतालीस का और फेस्ल टाउन फेस टू में है पच्चीस बाय पचास का

मरला साइज़ जो है वो आता है और ये फैसल टाउन में आठ मला कमर्शियल प्लॉट है मिसाल के तौर तो पर जब आप आठ मला का कमर्शियल प्लॉट लेते हैं तो आप आठ मला का नहीं ले रहे आप जो है वो नौ मरला का ले रहे हैं सी के सेक्टर्स के और आर के जो सेक्टर्स होते हैं उनमें प्लॉट साइज़ का जो है वो डिफरेंस होता है तो ये चीज़ मैंने अभी आपको जो है वो एक्सप्लेन कर दी अगर हम बारह मला प्लाट्स की जो है वो साइज की बात करें तो बारह मला का जो प्लाट साइज़ है वो फैसल टाउन फेस टू में है फिफ्टी बाई सिक्सटी का फिफ्टी बाई सिक्सटी का जो प्लाट है वो बनता है तकरीबन अराउंड थर्टीन पॉइंट फाइव मरला ये एक्चुअली जो लॉन्च जो है वो है बारह मल्ला का प्लॉट लेकिन क्योंकि इसके साइजेस बड़े होते हैं तो ये एरिया बनता है तकीबा साढ़े तेरह मल्ला का अब अगर हम प्राइसेस की बात करें तो फैसल डाउन की मैनेजमेंट हमेशा इनका जो है वो चौधरी अब्दुल मजीद साहब जो है वो हमेशा पर क्वेर यार्ड के हिसाब से जो है वो रेट्स लॉन्च करते हैं टोटल प्राइसेस जो में जो है वो नहीं लॉन्च करते हैं जिस तरह बाकी सोसाइटीज में देखने को मिलता है कि अगर आठ मल्ला का कमर्शियल प्लाट है तो वो छे करोड़ रुपये का है या सात करोड़ रुपये का है या पाँच करोड़ रुपये का है फैसल डाउन में हमेशा जो है वो पर क्योर यार्ड का जो है वो रेट दिया जाता है और जब रिवाइज रेट भी आते हैं वो भी पर स्क्र यार्ड में आते हैं और उसी के मुताबिक प्लॉट साइज के मुताबिक जो है वो आपका टोटल जो है है वो रेट बनता है। अब अगर हम बात करें डिफरेंट कैटेगरीज की तो टोटल जो जो है है वो के के वो कैटेगरीज के कमर्शियल प्लॉट्स लॉन्च किए हैं जिनको मैं आपको पढ़ के एक्सप्लेन कर देता हूँ जो पहला कमर्शियल प्लॉट लॉन्च किया गया है वो है आठ मरला का जिसका एक्चुअली साइज बनता है नो मरला उसकी अगर हम प्राइसेस की बात करें तो उसकी पर रेट जो पर यार्ड जो है वो रेट रखा गया है कॉर्नर प्लॉट का एक लाख दस हजार रुपये पर स्क्र यार्ड और नॉन कॉर्नर का रेट रखा गया है एक लाख रुपए पर स्क्र यार्ड मतलब अगर आप पाँच आठ मला का जो है वो कमर्शियल प्लॉट बाय करते हैं तो नॉन कॉर्नर की अगर मैं बात करूँ तो तक ट्वेंटी का आपको जो है वो कॉस्ट करता है दो करोड़ बीस लाख रुपए का जो है वो तकरीबन आपको नौ मल्ला कमर्शियल जो है वो कॉस्ट करता है जिसमें से ट्वेंटी फाइव परसेंट जो है वो बुकिंग अमाउंट रखी गई है जो कि तकरीबन फिफ्टी फाइव लाख रुपीज़ जो है वो बनती है फाइव पॉइंट फाइव मिलियन अब अगर हम बात करें कि इस एरिया में जो है वो आपको कितने फ्लोर्स जो है वो आठ मल्ला कमर्शियल में आपको कितने फ्लोर्स जो है वो कंस्ट्रक्शन जो है वो अलाउड uh, है तो आठ मरला का जो कमर्शियल प्लॉट है उसमें आपको ग्राउंड प्लस थ्री फ्लोर्स की जो है वो कंस्ट्रक्शन अलाउड है बेसमेंट ग्राउंड फ्लोर और प्लस थ्री फ्लोर्स मतलब कि टोटल आपको फाइव फाइव फ्लोर्स है वो अलाउड है अगर हम टोटल एरिया देखें कि आप प्लॉट जो है वो नौ मरला का बाय करें लेकिन जो आपका कवर्ड एरिया होगा दैट इज़ अराउंड टू पॉइंट टू फाइव केनाल जो कि के बनता है तकरीबन फोर्टी फाइव मरला क्योंकि अगर आप नाइन को फाइव से जो है मल्टीप्लाई करते हैं तो फोर्टी फाइव मरला आता है और ये टू पॉइंट टू फाइव केनाल बनता है आठ मला का जो कमर्शियल है वो उसकी टोटल प्राइस जो बनती है दैट इज़ ट्वेंटी टू मिलियन आठ मला कमर्शियल प्लॉट की और उसकी जो डाउन पेमेंट है दैट इज़ विद ट्वेंटी फाइव परसेंट डाउन पेमेंट वो बनती है पचपन लाख रुपए अब अगर हम बात करें बारह मला कमर्शियल प्लॉट की जिसका एक्चुअली साइज है वो थर्टीन पॉइंट फाइव मला बनता है उसकी जो लॉन्चिंग प्राइस है नॉन कॉर्नर प्लॉट की जो कि मेन बुलेवार्ड वार्ड पर जो है वो लोकेटेड होंगे उनका जो प्राइस हैं दैट इज़ फ्राम वन लैख फोटी थाउजेंड पर स्क्वेर यार्ड मतलब एक लाख चालीस हजार रुपये पर स्क्वेयर यार्ड से होंगे और ये मेन बुलेबॉस के प्लॉट्स होंगे टू हंड्रेड्रेड फीट थ्री हंड्रेड फीट थ्री हंड्रेड एंड फिफ्टी फीट जो कि मेन एंट्रेंस से जब ठली एंटरचेंज से आप फैसल टाउन फेज टू में एंटर होंगे तो उसके फ्रंट पर जो प्लाट्स होंगे ये उनके रेट है एक लाख चालीस हजार रुपये और एक लाख चौवन हजार रुपये कॉर्नर प्लाट्स के अगर मैं नॉन कॉर्नर प्लाट्स की बात करूँ जो कि थ्री हंड्रेड फीट थ्री हंड्रेड एंड फिफ्टी फीट मेन बुलेवार्ड पे लोकेटेड होंगे तो उसकी टोटल प्राइस बनती है फोर्टी सिक्स मिलियन मतलब चार करोड़ साठ लाख रुपए में सोसाइटी ने नॉन कॉर्नर प्लॉट्स लॉन्च किए ऑन द मेन बुलेवार्ड और जो के कॉर्नर के प्लॉट्स बनते हैं उनका रेट है वन लाख फिफ्टी फोर थाउजेंड पर स्क्वेर यार्ड जिसकी टोटल प्राइस बनती है फिफ्टी वन मिलियन और इसकी डाउन पेमेंट बनती है ट्वेल्व पॉइंट एट मिलियन मतलब टोटल प्राइस जो है वो बनती है पांच करोड़ दस लाख रुपए और इसकी बुकिंग अमाउंट बनती है ट्वेंटी फाइव परसेंट के हिसाब से एक करोड़ अट्ठाईस लाख रुपए और ये चार साल की जो है वो क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स पे जो है वो आपको दिए गए हैं तो चार आ, साल की जो है वो इंस्टॉलमेंट्स है और सोलह इंस्टॉलमेंट्स बनती हैं जिसमें क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट जो है वो कॉर्नर प्लॉट की मेन थ्री हंड्रेड फिफ्टी मेन बुलेवार्ड बनती है चौबीस लाख रुपए मतलब हर तीन महीने बाद जो आपका कॉर्नर का प्लॉट होगा ऑन थ्री फीट मेन बुलेवार्ड तो आपको हर तीन महीने बाद चौबीस लाख रुपया जो है वो पे करने होंगे और जो नॉन कॉर्नर कैटेगरी है जो 300 फीट 350 फीट मेन बुलेवार्ड पे होंगी उसकी प्राइसेस जो है वो क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स है इक्कीस लाख रुपए अब अगर हम बात करें कि जो कमर्शियल मरकज में जो बारह मुला के कमर्शियल प्लाट्स लॉन्च किए गए हैं उनकी क्या प्राइसेस हैं तो जो मेन मर्कस में जो प्लाट्स लॉन्च किए गए हैं बारामला के उनके जो नॉन कैटेगरी हैं मतलब नॉन कॉर्नर जो प्लाट्स हैं उनका रेट है एक लाख पंद्रह हज़ार रुपये पर स्क्वेर यार्ड जिसकी टोटल वैल्यू बनती है अराउंड थर्टी एट मिलियन मतलब तीन करोड़ अस्सी लाख के करीब जो है वो बारामला कमर्शियल प्लाट की जो है वो वैल्यू बनती है जो कि मेन मर्कज़ में जो है वो लोकेटेड होंगे फैसल डाउन का एक बड़ा मर्कज है जिसमें ये कमर्शियल प्लाट्स है वो लोकेटेड होंगे बारामला के टोटल वैल्यू जो है वो बनती है तीन करोड़ अस्सी लाख रुपए जिसमें से बुकिंग अमाउंट बनती है नाइन्टी फाइव लाख रुपीज़ और इसकी जो है वो क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स वो बनती है तकरीबन अठारह लाख रुपए की हर तीन महीने बाद जो है वो आपको अठारह लाख पे करने होंगे फॉर द फोर ईयर्स हर तीन तीन महीने बाद जो है वो आपकी सोलह इंस्टॉलमेंट्स बनेगी और उन्नीस अठारह लाख रुपये की जो है वो आपकी क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स बनेगी अब अगर हम बात करें कि जो कॉर्नर प्लॉट लोकेटेड है बारामला का मेन मर्कज में उसकी क्या प्राइसेस हैं तो मेन मर्कज में जो कमर्शियल प्लॉट है बारह मरल के उसकी वैल्यू है तक़रीबन फोर्टी टू मिलियन मतलब चार करोड़ बीस लाख रुपये जो है वो टोटल प्राइस है टेन ट्वेंटी फाइव परसेंट से जो है वो बुकिंग है जिसकी वैल्यू बनती है अराउंड टेन पॉइंट फाइव मिलियन एक करोड़ पाँच लाख रुपये जो है वो आपकी डाउन पेमेंट बनती है और क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स बनती हैं तकरीबन टू मिलियन की बीस लाख रुपये की आपकी जो है वो क्वार्टरली इंस्टॉमेंट्स बनती हैं चार साल के लिए जो फैसल टाउन या फैसल हिल्स के ओल्ड मेबर्स हैं या इवेस्टर्स हैं उनको इन चीज़ से जो है वो बूबी आइडिया है चौधरी अब्दुल मजीद साहब जो है वो फैसल टाउन में हमेशा जो है वो पर स्क्वेयर यार्ड के हिसाब से जो है वो कमर्शियल प्लाट्स लॉन्च करते हैं जो न्यू मैंबरान है न्यू इन्वेस्टर्स है उनके लिए माइट भी थोड़ा सा जो है वो कन्फ्यूजिंग हो क्योंकि उन्होंने कभी भी कमर्शियल प्लॉट पर स्क्वेयर यार्ड के हिसाब से जो है वो नहीं लिया लेकिन आप अभी स्क्रीन पर जो है वो हमने सिम्प्लीफाई करके अगर आपको चीज़ें जो है वो बता दी हैं ताकि आपको जो है वो बेहतर क्लैरिटी हो इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये जो बारामला का कमर्शियल प्लॉट है अगर हम उसकी बात करें कि उसका कवर्ड एरिया जो है वो आपको कितना मिलता है तो उसमें ग्राउंड प्लस सिक्स फ्लोर्स की जो है वो कंस्ट्रक्शन आपको जो है वो अलाउड है तो टोटल जो है वो आपके आठ फ्लोर्स जो है वो बनते हैं तो अगर हम टोटल एरिया देखें तो आपको वन जीरो एट मल्ला का जो है वो पड़ता है एक सौ आठ मल्ला का जो है वो आपका कवर्ड एरिया बनता है बारह मल्ला कमर्शियल प्लॉट का जिसका टोटल तो अगर हम किनाल में साइज देखें तो आप पांच फाइव पॉइंट फोर किनाल का, वो वो का, वो है। का तो जो वो तो कवर्ड एरिया आपको तो जो तो है वो तो बारह मला कमर्शियल प्लाट में पड़ता है टोटल आठ फ्लोर्स का जो है आपका कवर्ड एरिया इसके अलावा जो तो कमर्शियल प्लाट्स लॉन्च की गए वो मैं भी आपको थोड़ा सा जो है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ इसके अलावा दो किनार चार किनारे कमर्शियल प्लाट्स लॉन्च की गए हैं मिक्स यूज कमर्शियल प्लॉट्स लॉन्च किए गए हैं जो कि आठ किनाल से लेकर बारह किनल तक जो हैं फिर उसके अलावा अपार्टमेंट्स के जो है वो चार किनाल और पाँच किनल के कमर्शियल प्लाट्स है वो लॉन्च किए गए हैं अपार्टमेंट प्लाट्स अबव मरला के जो है वो बारह किनाल के जो है वो लॉन्च किए गए हैं इसके अलावा होटल के जो है वो प्लाट्स लॉन्च किए गए हैं कमर्शियल प्लाट्स फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए कि कोई अगर वहाँ पर स्कूल बनाना चाहता है तो उसके लिए जो है वो प्लाट्स स्पेसिफाई किए गए हैं और लॉन्च की गई हैं और अगर वहाँ पर कोई हॉस्पिटल बनाना चाहता है तो वो भी प्लाट्स है वो लॉन्च किए गए हैं जिनकी प्राइस तकरीबन ट्वेंटी थाउजेंड परस कोई यार्ड है एजुकेशन के लिए भी और हॉस्पिटल के लिए भी और अगर कोई वहाँ पे, पे पेट्रोल पंप बनाना चाहता है फैसल टाउन फेज टू में तो वो भी लॉन्च किए गए हैं जिसका रेट फिफ्टी फाइव थाउजेंड परस कोई यार्ड है और उसमें आपको ग्राउंड प्लस वन की जो है वो इजाजत है ये टोटल ट्वेल्व डिफरेंट टाइप्स के जो है वो कमर्शियल प्लाट्स है वो लॉन्च किए गए हैं इन आने वाले दिनों में मैं आपको एक एक प्लाट का जो है वो डिटेल से जो है वो वीडियो बना दूंगा लेकिन ये वीडियो थी रिगार्डिंग द कमर्शियल प्लॉट्स दैट वर लॉन्च इन फैसल टाउन फेज टू सो व्यूर्स दिस वॉज इट फ्रॉम टूडे अगर आपको फैसल टाउन में बुकिंग या इंस्टॉलमेंट्स रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर कॉन्टेट कर सकते हैं एंड डू विजिट अर वेबसाइट डब्ल्यू 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 डॉट मकान सोलूशन डॉट कॉम अगली वीडियो तक शारे सीमा को दीजिएगा जल्द अल्लाह हाफिज